हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आज की इस वीडियो में आप लोगों से बात करने वाली हूँ कि प्रेग्नेंट लेडीज यदि उनकी फर्स्ट बार प्रेगनेंसी हुई या सेकेंड बार भी हुई है, पहले तिमाही में बहुत से ऐसे प्रेग्नेंट लेडीज होती हैं जिनको सुबह और नाश्ते में सो के उठने के बाद फिलहाल उनको भूख लग जाती है। रात भर की गैपिंग होती है 5 से 6 घंटों की। क्या होता है जब महिला प्रेग्नेंट होती है, उनकी बॉडी की जो हार्मोन है इम्बेलेंस हो जाता है, क्योंकि उनके शरीर में एक हार्मोन्स उत्पन्न होने लग जाता है बेबी के ग्रोथ के लिए। इसलिए उनको सुबह उठने के बाद थोड़ा सा हल्का फुल्का भूख महसूस होने लग जाता है। उस समय पर, उस अवस्था में प्रेग्नेंट लेडीज को क्या लेना चाहिए? सबसे पहले ताकि उनको उल्टी की समस्या भी आ रही हो, उससे भी उनमें हेल्प मिले और उनके बेबी के लिए भी हेल्दी हो। जो फर्स्ट ट्राइमेस्टर की प्रेगनेंसी होती है उनमें बहुत से प्रेग्नेंट लेडीज को खाने से बदबू आने की संभावनाएं होती है, खाने से स्मेल आने लग जाती है उनको। उस अवस्था में उनको सुबह उठने के दौरान कुछ भी खाने को मन नहीं होता है, लेकिन उनके पेट में जो है भूख लगा होता है उनके हार्मोनल इम्बेलेंस के कारण। उनको कुछ मीठा खाने का मन नहीं करता, उनको कुछ तीखा चटपटा या नमकीन खाने का मन होता है। इस परिस्थिति में वो क्या ले सकती हैं प्रेग्नेंट लेडीज जो कि उनके बच्चे के लिए भी हेल्दी हो और प्रेग्नेंट लेडीज के लिए भी अच्छी हो? इस अवस्था में ले सकते हैं स्प्राउट्स। जी हाँ, आप मीठा नहीं ले सकते हैं कि क्रेविंग नहीं हो रही है मीठे खाने की, आपके मीठे से बदबू आ रही है, तो हरी मूंग के दाने को आप एक मुट्ठी कम से कम रात भर के लिए पानी में सोक करने के लिए रख दीजिए और खाने से 2 घंटे पहले उसको एक कॉटन के कपड़े में उसे पानी को पूरा साफ कर लीजिए, पानी को सोख लीजिए और थोड़ी सी वो अंकुरित हो जाए उसमें आप चाहें तो हल्के से नींबू निचोड़ के उसके बाद आपको एक बर्तन में बॉइल्ड वाटर लेना है। बहुत ज़्यादा आपको उबलती हुई पानी लेनी है। उसके बाद एक बर्तन में आप स्प्राउट्स को रख के उस गर्म पानी में रख दीजिए, स्प्राउट्स को ढक दीजिए। उसके बाद आप उसका सेवन कर सकते हैं। इससे होगा कि आप स्प्राउट्स में जितनी भी जीवित बैक्टीरिया उत्पन्न बैक्टीरिया होती हैं उनकी नष्ट हो जाएगी। आप आसानी से इसका सेवन कर सकते हैं। जोड़ के आप सुबह खाली पेट ले सकते हैं। मिचली की भी मन होता हो, मिचली की भी संभावना आती हो, आपको मिचली होती हो, उल्टी होती हो, बहुत हेल्प करेगा स्प्राउट्स लेने से आपको नींबू मिलाकर। अगर आपको बदबू आने की, स्मेल आने की प्रॉब्लम नहीं हो तो उस अवस्था में आप सुबह एक साबुत सेब खा सकते हैं, क्योंकि आम आदमी को होता है कि सुबह उठते ही उनको एक ग्लास पानी भर के पीना होता है, लेकिन प्रेग्नेंट लेडीज को होता है कि जब वो पानी पीती हैं खाली पेट तो वो उनको उल्टी हो जाती है कई केसेस में। लेकिन आप प्रेग्नेंट हो, आपको पानी पीने का मन नहीं करना है, आपको पानी पीने का मन नहीं है सुबह उठ के, आपको पानी देख के उबकाई सी आ रही है, तो आप इन दोनों चीज़ों की सेवन कर सकते हैं। कहा जाता है कि एक एप्पल जो है रोज खाइए, डॉक्टर से दूर रहिए। एप्पल में जो होता है भरपूर मात्रा में न्यूट्रिशंस होता है जो आपको पानी की भी पूर्ति भरपूर मात्रा में करेगा। तो आप पानी भी नहीं पिएंगे और इन दोनों चीज़ों का सेवन करेंगे तो आपकी प्रेगनेंसी जो है हेल्दी रहेगी, आपके बच्चे के लिए भी हेल्दी होगा, आपके बच्चे के लिए भी हेल्दी होगा। और सुबह सुबह आपको जी मिचलाना ये सब होता है तो आप इससे भी निपटारा पा सकते हैं। आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही। इस वीडियो से आपको हेल्प हुई है तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।